यशोधरा में पिस्तल लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी का नाम विशाल हेमराज बोकड़े है। आरोपी से पिस्तल जब्त की गई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी विशाल बोकड़े को पुलिस परिमंडल 5 से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया था। तड़ीपार रहने के बाद यह आरोपी शहर में पिस्तल लेकर घूमते पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशोधरा नगर पुलिस 14 जुलाई को गश्त कर रही थी। इस दौरान नामदेव नगर गार्डन के पास अंधेरे में एक युवक संदिग्ध स्थिति में नजर आया। वह बार बार कमर को हाथ लगा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी डालकर उसे धर दबोचा। आरोपी विशाल पोकड़े से पिस्तल जब्त करने के बाद उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उस पर हफ्ता मांगने, लूटपाट करने, हथियार लेकर घूमने, मारपीट करने के मामले दर्ज है। नमस्कार, मी संजय जाधव, थानेदार यशोधरा नगर पुलिस ठाणे। तुमचं डीबी पथक काल रात्री गार्डन, आम्ही त्यांना स्ट्रिक्टली सांगितलं की प्रत्येक गार्डन हे रात्रीचं चेक करायचं, कोणी संशयित इसम आहे गल्ली बळातून फिरत असताना गार्डनच्या कडेला विशाल हेमराज बोकडे वय 24 वर्ष हा तिथे बसलेला आढळून आला। तो पोलिसांची गस्त पथकाला बघून लपलेलाच होता, तर त्याला ह्या लोकांनी शोधलं आणि पकडलं असता तो पळायचा प्रयत्न केला। त्याने पकडलं असता त्याच्या कमरेला देशी बनावटीचं पिस्तूल हे लावलेलं दिसून आलं। त्याला ते पकडलं आणि त्याला घेऊन आले पोलीस स्टेशनला आणि तो इसमाची चौकशी केली असता त्याच्यावर तो तडीपार होता आमच्याच एरियातून, आणि मग त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केलं आहे। त्याचं शस्त्र जप्त केलेलं आहे आणि इतर लोकांना सुद्धा आता ती माहिती दिलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।